नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट गेन पॉइंट बी चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम एपेक्स 50 इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देंगे, जो कि क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का एक प्रोडक्ट है। एपेक्स 50 का टेक्निकल नाम क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है और कौन कौन से इंसेक्ट को यह कंट्रोल करता है और कौन कौन सी क्रॉप्स में इसका छिड़काव किया जाता है, इसका डोज क्या है, पैकिंग साइज क्या है की संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो के नीचे दी गई लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दें, बगल की बेल आइकन घंटी भी बजा दें, जिससे ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं एपेक्स 50 के टेक्निकल नाम की। इसमें जो टेक्निकल है वह है इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5%, साथ में फिप्रोनिल 3.5%, एससी फॉर्म में आता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में आता है। अब जानते हैं एपेक्स 50 क्या है। यह दोहरी क्रिया के साथ फसल पर कार्य करता है। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट एक नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। यह सीधे पौधे के ऊतक में प्रवेश करता है, जिससे इंसेक्ट जब पत्ती को खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बालवर्म, सूट बोरर, फ्रूट बोरर को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। वह फिप्रोनिल विशेष रूप से थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी फसल में छिड़काव करना चाहिए, तो कपास की फसल, भिंडी की फसल, मिर्च की फसल, गन्ना की फसल, सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से छिड़काव किया जाता है। वहीं बात करें कौन से पेस्ट को कंट्रोल करता है, तो फ्रूट बोरर, सूट बोरर, बालवर्म, थ्रिप्स को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। वहीं इसके डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ इसका छिड़काव करना चाहिए। पैकिंग साइज की बात करें तो 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर के पैक में बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे दूसरे किसान भाइयों को इससे लाभ मिले। कोई सुझाव हो तो कमेंट दीजिए। जय हिंद, जय किसान।